अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं डॉक्टर शायद मकसूद साहब की, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस है। देखते हैं उनके तेल का खेज इंकशाफात क्या है। चलिए वीडियो देखते हैं कि ये 3-2 का है या ये जो है ये 6-3 का है या क्या। ये जो बहस व मुबाहसा चलता रहा और ये तमाम जो गुफ्तगू होती रही पिछले दिनों, इसको अदालत ने काफ़ी इस पर दरगुजर किया। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि इस पर रिस्ट्रेन किया। और ये हमने देखे बड़े यहाँ पे यानी बहुत मुशर्रफ साहब के दौर से लेके अब तक बहुत सारी चीफ जस्टिसेस देखे हैं। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो गुफ्तगू हमारे यहाँ हुई है आला अदालतों के बारे में, जज साहबान के बारे में, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब होते, और ये मेरे ख्याल से लोग इस बात को अक्सरियत जो इफ्तिखार चौधरी साहब की शख्सियत से वाकिफ हैं या जिस तरह उनकी अदालत चलती थी, या साकिब निसार होती, या शायद कोई भी और अदालत होती और उसमें इस तरह का लबो लहजा इख्तियार होता, तो मेरा ख्याल तौहीन अदालत नहीं बल्कि आर्टिकल 6 लग जाता। क्योंकि ये तो सब ने मान लिया ना कि आइन टूट गया। अगर आइन टूटा है तो आइन टूटने पर तौहीन से ज्यादा आर्टिकल 6 वो कहीं तक ले जाते इस मामले। अदालत ने रिस्ट्रेन की है और यहां पर भी बहुत अच्छा हुआ है कि इस बात का इदराक हुआ है कि अदालतों के हमने देखें रिव्यू पिटीशन होनी थी वो भी नहीं हुई, लेकिन अदालत के सामने बात की। वहां पर साद रफीक साहब ने जो गुफ्तगू की वो उनकी गुफ्तगू, उससे कोई शख्स इख्तलाफ नहीं कर सकता। फैसले कैसे हुए माजी में, सियासी महरकात थे, ज्यादतियां हुई, और वो सिर्फ जो है वो हमारे अकाबरीन या हमारी जो रूलिंग एलीट या उनके साथ नहीं, अब आम आवाम के साथ भी वो जो बात होती है कि जी वो जो पार्लियामेंट में हुई कि जी वो सजाए मौत हो गई, हो गई, सुनाई नहीं गई, हो गई, और उसके बाद बरी किया जा रहा है, तो ऐसा हो रहा है इस मुल्क में, हुआ है और शायद होता रहेगा जब तक यहां से इस्लाहात नहीं होती अदालती निजाम में। लेकिन बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं तो हमने आइन को और कानून को रखना है, तो हुकूमत जो है वो आज इसमें मुनासिब बात की। अदालत 14 मई के फैसले पर कायम है। अब इससे कतई नजर के ये इलेक्शन 14 मई को होता है या नहीं होता, देखिए, लेकिन सवाल यह है कि वो जो फैसला था जो कि 4 अप्रैल का फैसला था उसकी खिलाफ वर्जी हुई, इस पे अदालत जाएगी। अब यहां पर जो है वो इशू ये आया है कि जब अदालत के सामने ये बात की गई, 3-4 बड़े अहम रिमार्क्स आए। एक बात की गई थी जी ये सियासी मसला है तो इसको खत्म कर दिया जाए, और मतलब इसको सियासी मामला को सियासतदान तय करें। अदालत की तरफ से बात की गई कि ये मसला सियासी नहीं है, ये मसला आईनी। ये बात इसको मैं इस तरह से समझता हूं कि मिसाल के तौर पर फर्ज करें मैं किसी को कत्ल कर दूं वक्त पर, और मैं कहूं कि जी ये तो मेरा और उसका मामला है ना, तो पुलिस क्यों आ रही है, तो ये कानून का मसला हो गया ना। मैं कहूं यार ये तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरे जानने वाला था, ये तो मुझे भाई हमारे घर का मसला, मैं कत्ल कर दिया उसको, दोस्त था मेरा, भाई था, कोई फलां था, या मुझे मार दे, तो नहीं कानून आ जाएगा। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि ये मसला सियासी नहीं है, ये मसला आपका सबका भी नहीं है, और हमने तो काबिल नहीं था कि आप डायलॉग करें, आपने खुद कहा था किया ये सारा कर लेते तो अच्छा है, लेकिन जो है वो ये मसला आईनी है कि 90 दिन। अब या तो 90 दिन को ये बढ़ाएं, कम करें, क्या करें, वो वहां पर अभी हम फंसे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो 90 दिन से ऊपर हो गया मामला और हो चुका है ऑलरेडी। अब उसमें पीटीआई का कहना यह कि हमें वापस जाने की इजाजत दी जाए, वन टाइम तरमीम कर दें, वन टाइम तरमीम करके हम फिर असेंबलियां तोड़, तो अभी मामला हल इस हद तक तो हो गया है कि हुकूमत की तरफ से ये बात हुई, और बात हुकूमत की तरफ से भी यही हुई कि जी हम इसको पहले करने को तैयार हैं। अच्छा, और शाह महमूद कुरैशी साहब से जब पूछा अदालत चीफ जस्टिस साहब ने कि आप मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, ये फारूक नाइक साहब ने कहा कि अब जाहिर है फारूक नाइक साहब पीडीएम की तरफ से पेश हुए ना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से पीडीएम की नुमाइंदगी फारूक नाइक साहब कर रहे हैं,
तो इसका मतलब पीडीएम ने वो बेंच तस्लीम कर लिया। तो अदालत ने भी यही बात की थी, आपने वक्त जाया किया 3-2 की बहस में, और फिर उसमें ये कि दायरे कार पे बहस होती रही, ये भी एक अदालत ने बात की इसमें। तो मतलब है कि ये अच्छा है, इसमें और भी 2-3 दिन रह गए, यानी आज का और भी शायद आएगा, फिर उसके बाद समाज जो इसकी अगली होगी तो उसमें जाहिर है कि ये फैसला जो भी है वो अदालत करेगी। और शामिल कुरैशी साहब ने कहा कि हम तो मुजाकरात नहीं करेंगे, बल्कि हमें तो इमरान खान साहब कहते हैं कि तुम्हें बैठे क्यों, टाइम क्यों जाया कर रहे हो, जबकि कोई तो मतलब, हाँ ये तो कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो अब जो है वो ये देखना है कि ये हमारे जो अकाबरीन हैं ये किस तारीख पे तैयार होते हैं और किस तरह से। और एक बात और भी डिस्कस हुई वहां पर, वो एक बात और भी डिस्कस हुई, और वो ये है कि साफ और शफाफ इंतखाबात ही करवाना जरूरी है, बल्कि साफ और शफाफ करवाना भी जरूरी है। ये भी बात हुकूमत की तरफ से की गई और मुनासिब बात है, लेकिन वैसे ये कि पूरा मुल्क क्योंकि हिजान का शिकार है इसमें कि ये सितंबर में होगा, अगस्त में होगा, अगस्त में नहीं है तो उसको जुलाई कर लें, जुलाई नहीं तो सितंबर कर लें, अक्टूबर। मैं इस लॉजिक को मुझे समझ सुना रही है कि ये अगर चीफ जस्टिस चेंज हो जाते हैं या जो है वो सदर नहीं होते अपनी जगह पे, तो उसका ये बैलेट बॉक्स में क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क। देखिए आपके लॉ एंड ऑर्डर, आपका सिक्योरिटी, आपके अच्छा, फिर उसके बाद एक और किस्सा, ये जो शाह तकान अब्बासी साहब ने ये इंतखाबात के लिए कितने पैसे मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने, जो कुल रकम थी वो मेरे ख्याल से 21 अरब। ये शाह तकान अब्बासी साहब ने ये जो बात की है कि 20 अरब आटे में खाए गए, तो इसमें इलेक्शन नहीं करवा देते। देखिए ना ये कितना बड़ा रौला है। अच्छा उन्होंने भी एग्जैक्ट वही फिक्र बदल, बल्कि एक उनका स्टेटमेंट शायद ये कि 20 अरब से भी ज्यादा, 20 अरब से ज्यादा अगर आटे में खाए गए हैं तो इसमें इलेक्शन हो जाता है, तो अभी तक हम आगे निकल चुके होते कि। तो ये तो अजीब सी बात है कि एक पैसा भी, एक करप्शन भी हो रही है एक तरफ, और एक तरफ जो है वो, तो मतलब ये इसमें जो सबसे मुनासिब है दोनों तरफ की आवाज सुनेंगे तो आपको वजन नजर आएगा उनका ये कहना। और ये माजी में ऐसा हुआ है कि अदालती फैसले जो हैं हम नैब के ऊपर, मुझे हमें तो कभी नैब की वाह हमने तो आज तक नहीं, जुबान अल्लाह वाह तो हमारा, तो नैब जो है वो एक पोलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज होता रहे, आइंदा नहीं होता तो ना होता रहे। और ये भी अदालत की तरफ से कुछ रिमार्क्स है कि ये भी कहा गया। नाज़रीन थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, मजीद भी इंशाल्लाह आप तक वीडियोज़ पहुँचाते रहेंगे। आपका पसंद करना हमारे लिए बाइस मसरत है इंशाल्लाह, जैसे ही वीडियोज़ डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की आएगी या साबिर शाकिर साहब की आएगी, जो ग्रेट एंकर्स हैं उनका तजर्बा है, वास्ट एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह उन तमाम के वीडियोज़ को, तमाम के एनालिसिस आप तक पहुँचाएँगे। और आपका पसंद करना वो और उनका कमेंट्स वगैरह करना आपका बहुत इंतज़ार रहेगा। आप जैसे वीडियोज़ को लाइक करते हैं हमें मज़ीद तकवीत मिलती है इस चीज़ से कि हम दोबारा वीडियोज़ को बनाएँ। जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब के जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं उन्होंने अपने दलाइल को मुकम्मल किया, और साथ ही उधर पीडीएम ग्रुप के जो हकूमती नुमाइंदे थे फारूक एच नाई उन्होंने भी अपने तमाम तक दलाइल को मुकम्मल किया है। और जैसे ही आज पॉसिबिलिटी है, आज हुक्म जारी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि 14 मई का हुक्म जो बरकरार था चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब की तरफ से, वो भी आज पॉसिबिलिटी है कि आज हुक्म जारी हो जाए। मुनासिब हुक्म ये भी हो सकता है कि पीडीएम के जो नामवर शख्सियत हैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, उनका नोटिस जारी हो सकते हैं, कंडेम नोटिस जारी हो सकते हैं, जिसकी बेस पर उनको नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन साबिर शाकिर साहब ने भी इसी बात पे तवज्जो दिलाई थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे तकरीबन एक हफ़्ते के लिए बाहर गए हुए हैं, नवाज शरीफ साहब से वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई और उनसे मशावरत भी इस मामले पर जारी और सारी है कि नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, या तो असम्बली को डिसॉल्व किया जाए या ऐसे ही कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं पार्लियामेंट के हवाले से, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से वो जारी रखेंगे। इस आज इमरान खान साहब ने
कॉल दी हुई है एक घंटे के एहतजाज की मुल्क भर में, और उनकी कॉल पर तमाम जो पीटीआई के कारकुनान हैं और पाकिस्तानी हैं, तमाम उनकी कारकुनान लबैक कहते हैं। और आज आप देखेंगे जम्मे गफीर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपको मिलेगा देखने को। और अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जो लोग नए आए हैं काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।